Hello aspirants, welcome to Itakshila classes. My name is Vasundhara Thakur and today I am going to start a new series with the title 50 words that you must know. So while you are preparing for your competitive exams, vocabulary is something jo ki bahut zyada important hai, significant hai, aur usko prepare karna thoda sa difficult ho jata hai because it is too vast, right? सो विल ट्राई कि विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो और दीज सेशंस हम लोग थोड़ा सा वोकैबलरी पे फोकस करें सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि वोकैबलरी कैसे पढ़े, उसके सिनोनिम्स क्या हैं, किसी भी वर्ड्स के उसके एंटोनिम्स क्या है, राइट? एंड साथ ही साथ आपकी जो दूसरी प्रैक्टिस सीरीज है वो भी चलती रहेगी. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन. हम पार्ट वन में हम 10 क्वेश्चंस में डिवाइड करेंगे इस पूरी सीरीज को. सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट सेट टुडे विच सेज फ्रूगल. पहला वर्ड हमारे पास जो है वो है फ्रूगल. अब फ्रूगल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा कंजूस या इकोनॉमिकल हो, ठीक है? समबडी हु लाइक्स टू स्पेंड देयर मनी वेरी वाइजली, राइट? तो हम फ्रूगल को और क्या क्या कह सकते हैं? हम इसे कह सकते हैं माइजर. माइजर का मतलब भी कंजूस होता है. थ्रिफ्टी का मतलब भी यही होता है, राइट? स्पेंडिंग मनी इन अ वेरी इकोनॉमिकल और जुडिशियस वे. देन यू हैव द वर्ड निगर्ड विच ऑल्सो मीन्स फ्रूगल, ओके? एंड स्टिंजी. It's not stingy, it's stingy. All of these mean somebody who spends money wisely. So what I want you all to do is कि आप अपना notebook, pen, कुछ भी ऐसा लेके साथ में बैठिए ताकि you can make notes of all these words. Okay? Spends money wisely. Let's change the color a bit. Okay. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट इसके जो ऑपोजिट्स रहेंगे, अगर कोई फ्रूगल है यानी समबडी हु स्पेंड्स मनी वेरी कॉशियसली, तो उसका ऑपोजिट होगा समबडी हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली, ठीक है? तो वेस्टफुल इज वन वर्ड, वेस्टफुल. और दूसरा हमारा क्या रहेगा? स्पेंडथ्रिफ्ट, जिसे पैसे खर्चने का बहुत शौक हो, राइट? सो व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑपोजिट? स्पेंडथ्रिफ्ट एंड वेस्टफुल. इफ यू कैन थिंक ऑफ मोर वर्ड्स नो, यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड देन वी कैन डिस्कस इफ दे आर राइट और रॉन्ग. द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पराज. डिस्पराज का मतलब होता है किसी को बेइज्जत करना, ठीक है? किसी को डिस करना, ऐसे इसको याद रखो. मतलब किसी को आप जब बिलिटल करते हो या डिग्रेड करते हो या उनको ह्यूमिलिएट करते हो, दैट इज कॉल्ड डिस्पराजिंग. सिनोनिम्स और क्या क्या बोल सकते हैं? बिलिटल. To belittle someone, belittle का मतलब होता है किसी को छोटा महसूस कराना, ठीक है? Little से आप याद रख सकते हो. To make someone feel very small, defame, you know, and ridicule का मतलब भी किसी का मजाक उड़ाना. So these are the synonyms. अब opposite क्या होगा? अगर आप किसी को disparage कर रहे हो, उसको belittle कर रहे हो, तो opposite मतलब क्या है? कि आप उसको appreciate कर रहे हो या उसको commend कर रहे हो या उसको compliment कर रहे हो, right? So what is this? These are the opposites of the word disparage. Okay. Third चलते हैं. This is alleviate. This is not elevate. वो different word है. ये different word है. ये alleviate का क्या मतलब होता है? किसी चीज को कम करना, ठीक है? हम इसे allay भी बोलते हैं, assuage भी बोलते हैं, mitigate भी बोलते हैं और reduce भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये हमारे alleviate. जैसे for example, this medicine will help you. Like will help to alleviate your problem or your pain or your injury. Alleviate का मतलब होता है mitigate करना, किसी चीज को decrease करना या reduce करना. तो opposite क्या होगा? To intensify or to increase. This is increase. और हम क्या बोल सकते हैं इसको? Amplify. बोल सकते हैं कि नहीं? तो ये हमारा क्या है? Opposite. ठीक है? नेक्स्ट लेट्स मूव टू द फोर्थ वर्ड विच इज ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही एक मिस्टीरियस हो, हिडन हो हमारे से, ठीक है? जो बहुत ज्यादा छुपी हुई हो. कैमोफ्लाज भी बोलते हैं हम उसे. सो सिनोनिम्स फॉर ऑब्सक्योर भी मिस्टीरियस. देखो, छुपा हुआ होना और थोड़ा मिस्टीरियस होना आपको लग सकता है अलग अलग वर्ड है, बट ऑब्सक्योर का मतलब भी यही है, जो चीज बड़े राज भरे, जैसे कोई राज होता है, इट्स अ सीक्रेट, इट्स मिस्टीरियस एंड इट्स हिडन. सो दैट इज ऑब्सक्योर. सो वेग, कंसील्ड, ऑल ऑफ दिस इज नोन एज योर सिनोनिम्स ऑफ ऑब्सक्योर. ऑपोजिट्स विल बी क्लियर, ऑब्वियस, नोन, ठीक है? हम इसे लिमिटेड भी बोलते हैं, लूसिड भी बोलते हैं. इज दैट फाइन?
तो ये हमारे क्या है, ऑब्सक्योर के ऑपोजिट्स और उसके सिनोनिम्स। ठीक है, आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं सीक्रेटिव येट हिडन। ठीक है, तो आप ये एक बार ही लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एमिएबल, एमिएबल स्टैंड्स फॉर समबडी हु इज वेरी फ्रेंडली, हु इज वेरी पीसफुल, जो बहुत लविंग हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं एमिएबल। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज एन एमिएबल पर्सनैलिटी, जो बहुत ज़्यादा पीसफुल या आपके साथ अच्छे से बिहेव करे। ठीक है, सिनोनिम्स देख लीजिए, फ्रेंडली ऑफकोर्स, कॉर्डियल, हम बोलते हैं ना यू कॉर्डियली इन्वाइटेड, तो कॉर्डियल कौन है, मतलब जो आपके साथ बड़ा फ्रेंडली और पीसफुल हो। एफेबल भी सेम है, एफेबल और एफिनिटी, ये वर्ड्स जो है ये मिलते जुलते हैं, ये एक दूसरे के, ये रूट वर्ड सेम है इनका, और इसका मतलब ही होता है पीसफुल, फ्रेंडली। और लास्ट हमारा क्या होगा, मेलो, जैसे बोलते ना बहुत मेलो म्यूजिक चल रहा है, लाइक वेरी पीसफुल। ऑन द अदर हैंड ऑपोजिट्स क्या होंगे, हॉस्टाइल का क्या मतलब होता है, हु हैज़ दिस फीलिंग ऑफ रिवेंज और दुश्मनी किसी से। डिसअग्रीएबल, अगर कोई आपका दोस्त है, कोई आपके साथ कॉर्डियल है, आपकी बात में हाँ में हाँ मिला, तो जो दूसरा ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, डिसअग्रीएबल, जो आपसे अग्री नहीं करेगा, राइट। कोल्ड, यहाँ हॉट कोल्ड वाला नहीं, ये कोल्ड का मतलब होता है जो आपसे बात करना या जब आप आओ तो आपको बड़ा इंडिफरेंट सा एटीट्यूड दिखाए, जैसे दैट पर्सन डजेंट केयर दैट यू आर हियर, राइट। सो दिस इज नोन एज द ऑपोजिट, दैट इज वाई इट इज द ऑपोजिट। नाउ रेटिसेंट, अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्टली यूज वर्ड इन सी डी एस आफ्टर एनी सॉर्ट ऑफ डिफेंस एग्जाम और एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज रेटिसेंट। देखो, रेटिसेंट का मतलब होता है जो चुप रहता हो, जिसे ज़्यादा बातचीत करना पसंद ना हो, एक इंट्रोवर्ट जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, हु इज़ वेरी शाई, रिजर्व्ड, साइलेंट, टैसिटर्न, एनीथिंग यू वॉन्ट टू से। तो ऑपोजिट कौन होगा, एक है जो चुप रहना पसंद करता है, दूसरा बातूनी होगा। अब बातूनी है तो क्या होगा, गैरुलस, टॉकेटिव, लोकेशियस, कुछ भी बोल सकते हो आप। सो रेटिसेंट का ऑपोजिट इज गैरुलस, गैरुलस है जो बहुत बात करने वाला हो। ठीक है, समबडी हु लाइक्स टू टॉक अलॉट, अ चैटर बॉक्स यू कैन से। सो दिस इज रेटिसेंट, विच मीन्स शाय एंड रिजर्व्ड, क्लियर। इनेट, इनेट डिजीजेज, अगर आपने बायो पढ़ी है किसी ने, तो इनेट का मतलब होता है इन बॉर्न, समथिंग विच यू आर बॉर्न विथ, राइट। जैसे टैलेंट्स होते हैं कई लोगों के अंदर, वो बड़े इनेट होते हैं कि वो पहले से ही होते हैं, उन्होंने सीखा नहीं, दैट इट्स इन बॉर्न विद देम। सो इन बॉर्न, नेचुरल, इन ब्रेड, ब्रेड मतलब ब्रीड से आता है ये वर्ड, ठीक है, ब्रीडिंग से। तो इन ब्रेड मतलब जो आपके अंदर हो, दैट इज इनेट। ऑपोजिट इज अक्वायर्ड, अक्वायर्ड इज समथिंग दैट यू हैव लर्नड विद टाइम, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल आर वेरी गुड एट सिंगिंग एंड डांसिंग, राइट, बट दे लर्न हाउ टू प्ले गिटार, दैट इज एन अक्वायर्ड टैलेंट, दैट इज एन अक्वायर्ड स्किल दैट यू लर्न विद टाइम, ओके। सो इफ समथिंग इज इनेट, इफ समथिंग इज इनबॉर्न, इट्स ऑपोजिट विल बी अक्वायर्ड, इज दैट क्लियर। एक बड़ा कॉमन स्लैंग है, बोलते अक्वायर्ड टेस्ट है, ठीक है, तो आप मुझे जरूर बताना इसका मीनिंग क्या है, अक्वायर्ड टेस्ट। देन यू हैव एस्ट्यूट, नाउ एस्ट्यूट का मतलब होता है समबडी हु इज वेरी क्लेवर। नाउ क्लेवर, कनिंग, क्राफ्टी, श्रूड, ये सब वर्ड्स बहुत जरूरी हैं, खासकर आपका श्रूड और क्राफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होना चाहिए। एस्ट्यूट मतलब जो बहुत चालाक हो, ठीक है, तो ऑपोजिट में क्या आएगा हमारा, जो बहुत ज़्यादा सिली हो, फुलिश हो। अगर कोई चालाक है तो उसका ऑपोजिट बोंदू होगा, बेवकूफ़ होगा, तो स्टूपिड, फुलिश, सिली, ये सब है, इडियट, जो इडियोटिक हरकतें करे। इडियट को हम और क्या बोलते हैं, इडियट को हम बोलते हैं इम्बेसिल, IMBECILE, इम्बेसिल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एस्ट्यूट, विच इज वेरी क्लेवर। एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक का मतलब होता है बड़ा अजीब, विच इज वेरी वियर्ड, अबनॉर्मल, अनयूजुअल, ठीक है। तो हम एक्सेंट्रिक का क्या मतलब हुआ हमारा, पेक्यूलियर, पेक्यूलियर का क्या मतलब होता है, वियर्ड, और क्या मतलब होता है इसका, स्ट्रेंज, अलग, जिसकी अलग पहचान हो, एक्सेंट्रिक। अगर कोई अलग है
तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑर्डिनरी, यूजुअल, कन्वेंशनल, ठीक है, जो हमें लगता है कि तो साधारण है, मामूली, राइट? सो एक्सेंट्रिक के ऑपोजिट्स विल बी ऑर्डिनरी, कन्वेंशनल एंड यूजुअल. द लास्ट वर्ड फॉर टुडे सेट इज पेरिलियस. नाउ पेरिलियस या पेरिलस अगर हम बोलेंगे तो ये वर्ड यहाँ से आता है पेरिल. पेरिल मतलब डेंजर. तो ऑब्वियसली वॉट इज पेरिलस? इट इज डेंजरस. एंड वॉट आर द बेटर वर्ड्स दैट यू कैन यूज इन प्लेस ऑफ पेरिलस और डेंजरस? इज रिस्की, हजार्डस, प्रिकेरियस. ये आपको जरूर पता होना चाहिए, प्रिकेरियस एंड पेरिलियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीकेरियस, पहले से केयर. पहले से केयर कहाँ रखते हैं? जब खतरा हो. तो प्रिकेरियस क्या है? खतरनाक, ठीक है. हजार तो हमें पता ही है, डेंजर, तो हजार्डस इज डेंजरस. अब अगर कोई चीज हजार्डस है, रिस्की है, डेंजरस है, प्रिकेरियस है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? सेफ, सिक्योर, हार्मलेस, समथिंग विच इज फ्री ऑफ डेंजर. सो दीज आर द ऑपोजिट्स. नाउ इफ यू कैन थिंक ऑफ मोर सच वर्ड्स, वेदर दे आर सिनोनिम्स, वेदर दे आर एंटोनिम्स, देन लेट मी नो. एंड इफ यू वॉन्ट सम मोर वर्ड्स टू बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट वीडियो और द नेक्स्ट सेट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, देन ऑल्सो यू कैन लेट मी नो. सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर टुडे, एंड आई होप यू ऑल विल बी लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस एंड योर वोकैबुलरी विल स्टे सॉलिड बिफोर द एग्जाम कम्स. सो थैंक यू सो मच. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. गुड लक एंड टेक केयर.